See, I'm here definitely for my dear friend Shiva, who's a very talented stylist and who I've seen his struggle for so many years. He started with a small shop and now he has lots of outlets, you know, all over Bombay. And today this shop was very small and today is such a big shop he has made. I think it's very commendable. And definitely styles do matter to people in the film industry, in the glamour world and celebrity. So I think it's a great move. हर एक को स्टाइल पसंद है या जो अपने फेस को पसंद है उसी स्टाइल को जारी रखना चाहिए, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि या तो अपने हेयर ड्रेसर पे छोड़ देना चाहिए कि जो आपको अच्छा लगता है वो उसके हिसाब से चले. आई थिंक ही इज़ द बेस्ट पर्सन, ही नोज व्हिच स्टाइल. बेसिकली नो आई नेवर, आई डोंट थिंक इट गोज़ इन माय प्रोफाइल आल्सो टू कीप टू फंकी हेयर और कंप्लीटली जेल लुक और समथिंग. And but yeah, I have no problem. People who are doing it, it's nice. It's look good to be stylish, and it's good to be experiment with your different hairstyles. जानती हूँ उनको, काफ़ी सालों से जानती हूँ, और वो बहुत कंफर्टेबिलिटी महसूस करता है हमारे जैसे लोगों को. जब भी चाहे हम उनको हक से बुला सकते हैं और बहुत दिल से काम करता है. तो जो कंफर्टेबिलिटी हमारे जैसे लोगों को चाहिए वो शिवा से मिलती है. I'm showing my promo day after on 16th to the media, the first look of fashion. So I'm sure you're all invited over there and you'll come to know okay, the first look is 1 minute. And I'm sure people will like it how they are liking my earlier films. मैं काफ़ी excited हूँ क्योंकि पहली बात तो यह है कि उनको national award मिला है और ये उन directors में से एक है जो nationally recognized करने में से उनको माना जाता है. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. और डेफिनेटली फैशन ऑल्सो विल बी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म वी लुकिंग फॉरवर्ड. मैंने कुछ नहीं, इतना स्टाइलिश नहीं किया. मैं ऐसा स्टाइलिश नहीं, मैं नॉर्मल जीन्स शर्ट ऐसे ही पहनता हूँ. थोड़े बाल की हेयर स्टाइल कभी इधर उधर घुमाता हूँ. बाकी मैं इतना स्टाइलिश नहीं हूँ क्योंकि मैं कैमरे के पीछे रहता हूँ, तो फिल्म मेकर को पीछे रहना चाहिए. जिस तरीके की फिल्में वो बनाते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके, सपोज जो बेगर्स के ऊपर उन्होंने बनाई थी, उन भिखारियों को उन्होंने इतनी अच्छी तरह से देखा है कि यहाँ क्या होता है वो आम जनता को शायद मालूम नहीं होता, पर उनकी फिल्मों के जरिए हमको पता चल जाता है. To watch more, log on to www.erosentertainment.com.